नमस्कार दोस्तों, 17 जनवरी से अहम भूमिका निभाने वाले ग्रह अस्त होने वाला है। ज्योतिष के मुताबिक गुरु ग्रह के अस्त होने से कई कार्य रोक दिए जाते हैं। तो चलिए आपको अपने एक्सपर्ट के माध्यम से बताते हैं कि अस्त और नीच गुरु किन राशियों को प्रभावित करेंगे और उसके लिए क्या उपाय करने होंगे। आज मैं आपको जानकारी दूंगा, आज से ठीक 14 दिन बाद 17 जनवरी से गुरु नीच है और साथ में अस्त भी होगा, यानी बहुत बुरा। कहावत है ना, एक कड़वा और ऊपर से नीम चढ़ा, करेला चढ़ा। एक तो वो नीच होके चल रहा है और साथ में अस्त भी होकर के चल रहा है। जानकारी देना मेरा फर्ज है, उसको सुनना न सुनना, अमल में लाना यह आपका फर्ज है। 17 जनवरी से और 14 फरवरी तक ये स्थिति रहेगी। लंबा समय नहीं है, जब पूरा 2020 निकाल लिया तो ये 27-28 दिन भी निकल ही जाएंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। लेकिन हम पहले से सावधान अगर हो जाते हैं तो हम परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। तो आज मैं यही जानकारी दूंगा, शनि भी अस्त, गुरु भी अस्त, दोनों ही अस्त हो रहे हैं। दो बड़े प्लैनेट हैं, ब्रह्मांड के सबसे बड़े प्लैनेट दो अस्त हो रहे हैं। कुछ अनर्थ, कुछ तकलीफ तो होंगी। तो हमने आज थंबनेल में हेडिंग दिया है, नीच भी और अस्त भी, पांच चीजों का काफी नुकसान, और अपनी राशियों का हाल जानिएगा। तो आज हम वही आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे कि जो गुरु होता है वो पांच चीजों में कौन सी चीजों को नुकसान करता है और आपकी राशि के अनुसार क्या चीज करेगा। देवगुरु बृहस्पति ज्ञान का कारक है, कुंडली के अंदर द्वितीय भाव का कारक होता है, धन देता है। अगर देवगुरु बृहस्पति अस्त होगा तो अचानक धन का नुकसान हो सकता है, अच्छी भली पेमेंट आपकी डूब सकती है। आजकल बैंक रॉबरी हो रही है, लेकिन बैंक रॉबरी ऐसे नहीं हो रही, आपके अकाउंट की रॉबरी हो रही है। बहुत सारे गैंग, आईटी के परफेक्ट हैकर्स जो हैं, वो आपके अकाउंट तक सेंध लगाते हैं, आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं आपसे अनजान वीडियो कॉल करते हैं। इसलिए जो भी मेरे को सुन रहे हैं, किसी भी अनजान आदमी की जिसका नंबर सेव नहीं है, अगर वो वीडियो कॉल करता है तो उसकी वीडियो कॉल ना उठाएं। अगर आप वीडियो कॉल उठाएंगे तो आपका अकाउंट हैक हो जाएगा, आपका फेस हैक हो जाएगा। जैसे ही आपका फेस हैक होगा तो सीधा की सीधा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के थ्रू आपका सब डाटा आ जाता है, आपका पैन नंबर भी आ जाएगा, आपका अकाउंट नंबर भी आ जाएगा, आपका आधार कार्ड भी आ जाएगा, सब आ जाएगा। इसलिए सावधानी बरतने की आवश्यकता है। कोई भी अनजान व्यक्ति करता है या कोई भी अनजान व्यक्ति आपको मैसेज करता है कि आपका इतना लोन अप्रूव हो गया है और आप इस लिंक पर क्लिक करें, जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे वैसे ही आपका सब कुछ हैक हो जाएगा। इसलिए सावधानी बरतें, और फिर उसका दुरुपयोग करते हैं वो लोग, ब्लैकमेल करते हैं लोग, इसलिए ध्यान रखें अपना। तो आजकल देवगुरु बृहस्पति नीच हैं तो ऐसे गैंग भी बहुत ज्यादा सक्रिय हो चुके हैं। देवगुरु धन का कारक है, धन के साथ साथ परिवार का कारक है, उसके साथ पंचम भाव का कारक है। पंचम भाव पुत्र सुख देता है, संतान कष्ट होना, चोट लगना, दुर्घटना, एक्सीडेंट कुछ भी हो सकता है, अकस्मात कोई तकलीफ आ जाए। स्त्रियों के लिए ये पति का कारक होता है, मैरिज लाइफ में डिस्टर्बेंस आना, कोई कोर्ट केस मुकदमा चल रहा है वो आपका डिवोर्स तक लेके चला जाए, इसलिए यहां भी आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। भाग्य का कारक है, धर्म का कारक है, धर्म विहीन होना, आपके मन में धर्म के प्रति विमुख हो जाना, ऐसा योग बनेगा। कैरियर, कैरियर से मन विचलित हो जाना,
और लाभ और व्यापारियों के लिए भी कहीं ना कहीं विचलित करने वाला पीरियड आता है। तो पांच चीजों को नुकसान करता है और छठी चीज होती है मैरिज स्त्रियों के लिए। तो इन पांच चीजों पर तो इफेक्ट डालेगा। अब आपकी कुंडली के अनुरूप, आपकी राशि के अनुरूप कौन सी चीज पर डालेगा वो मैं जानकारी दूंगा। उससे पहले आपसे निवेदन करूंगा, मेरा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबाएं, वीडियो शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। अब शुरुआत करते हैं। और हाँ, मैं बता दूं, हमारी वास्तु की क्लासें शुरू हो चुकी हैं। अगले सैटरडे संडे फिर क्लास शुरू होगी। अगर आपने एडमिशन नहीं लिया है तो एडमिशन ले सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस हैं जिसके अंदर रेजिडेंशियल, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल वास्तु आपको हम सिखाएंगे। शुरुआत करते हैं अब आपको। मेष राशि, भाग्य का स्वामी आपका नीच भी और अस्त भी है। पिता के सुख में कमी, भाग्य में नुकसान होने का योग बनेगा। भाग्य साथ नहीं देगा, इसलिए यहां पर यह ध्यान रखना है कि कोई भी जुए सट्टे लॉटरी का काम ना करे। आयु का स्वामी नीच भी और अस्त भी है। आयु की सेफ्टी रखना बहुत जरूरी है। जब भी गाड़ी चलाएं सेफ चलाएं, पी करके ना चलाएं। हेल्थ खराब है, हॉस्पिटलाइज है तो सावधानी बरतें, दवाई टाइम से लें। मिथुन राशि वालों के लिए पत्नी और कैरियर का स्वामी मृत्यु स्थान में है। पत्नी का स्वास्थ्य, मदर इन लॉ का स्वास्थ्य, कैरियर ये आपके प्रभावित रहेंगे। कर्क राशि वालों के लिए पिता का सुख से विमुख होना, रोग चोट बढ़ जाना, पत्नी का स्वास्थ्य खराब हो जाना, इन पर इफेक्ट रहेगा। सिंह राशि वालों के लिए संतान कष्ट गर्भवती महिलाओं के लिए कष्टकारी योग बनता है, क्योंकि संतान भाव का कारक भी है। तो सिंह राशि पर इसका संतान से संबंधित इफेक्ट रहेगा। अपने स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कन्या राशि की बात करें तो माँ और पत्नी, इन दोनों की हेल्थ पर इफेक्ट रहेगा। और संतान के घर में नीच भी और अस्त भी है, गर्भवती महिलाओं को भी सावधानी बरतनी पड़ेगी, थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है। तुला राशि के अंदर रोग चोट ऋण का स्वामी माँ के घर में है, साथ में छोटे भाई का स्वामी भी अस्त है। छोटे भाई के सुख में कमी आना, माँ के स्वास्थ्य पर इफेक्ट आना, ऐसा योग बनेगा। तो अगर मदर बीमार हैं तो सावधानी बरतें। वृश्चिक राशि वालों के लिए धन और संतान सुख दोनों ही तकलीफ में है, दोनों ही परेशानी में रहे, इसलिए ये 26-27 दिन अपने बच्चों की परवरिश को ध्यान से रखें। धन किसी को न दें, नहीं तो धन लुटने का योग। इस समय अगर पैसा देंगे तो पैसा वापस नहीं आएगा। धनु राशि स्वयं की राशि है, यहां पर आपका स्वयं की सेहत, माँ की सेहत मारक स्थान पर है, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। यहां पर आपकी हेल्थ और मदर की हेल्थ दोनों प्रभावित होने का योग बनेगा। मकर राशि में स्वयं गुरु नीच भी और अस्त भी है। मकर राशि में बहुत अच्छा फल नहीं देता, कुंभ राशि में भी बहुत अच्छा फल तो नहीं देता, लेकिन फिर भी अस्त होने के कारण थोड़ी सी तकलीफ आपको आएगी, ये ध्यान करें। कुंभ राशि में योग कारक हो जाता है, धन और लाभ का स्वामी है, बारंबार में खर्च के घर में अस्त हुआ है, धन और व्यापार दोनों के लिए भारी पड़ेगा। तो यहां पर देवगुरु बृहस्पति नीच भी है और अस्त भी है। उपाय हम आपको एंड में बताएंगे, वीडियो आप पूरा देखते रहें। मीन राशि में स्वास्थ्य कैरियर दोनों का स्वामी अस्त है, तो आपकी हेल्थ साथ में स्वास्थ्य दोनों गड़बड़ाएंगे, कहीं ना कहीं तकलीफ होने का योग बनेगा। तो इसलिए यहां पर भी आपको बहुत सावधानी बरतनी होती है। अब बात करते हैं कि अस्त भी है और नीच भी है तो उपाय क्या किया जाए। तो यहां पर पुखराज पहन के रखना चाहिए, क्योंकि जो ग्रह अस्त हो जाए तो उसका नग पहना जा सकता है और साथ में नीच भी हो, यानी पहले अगर वो ग्रह बचेगा तो नीचता करेगा, जान है तो जहान है, इसलिए यहां पर आप पुखराज पहन के रखें। सूर्य के मंत्रों का जाप करें, सूर्य को जल चढ़ाते रहें, शनि के मंत्रों का जाप करें, शनि का तेल का दान करते रहें, तो बृहस्पति को कहीं ना कहीं बचाया जा सकता है, पॉजिटिव स्थिति में लाया जा सकता है। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें।
साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।